समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मत से लिए गए निर्णय के अनुसार विपक्ष के 142 सांसदों के लोकतांत्रिक निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना व प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना देकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसदों के निलंबन को वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश यादव, नगीना प्रसाद साहनी सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि देश के अंदर सदन में 142 सांसदों का जो निलंबन हुआ है वो निंदनीय है, ये अलोकतांत्रिक है। उस संदर्भ में नेतृत्व के निर्देश पर आज हम लोग ये धरना दे रहे हैं और हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदया से कि इस तरह से देश के अंदर जो विपक्ष है, विपक्ष जब भी आवाज़ उठा रहा है तो उसको किसी न किसी साजिश के तहत उसको रोका जा रहा है, इसलिए आज ये धरना हो रहा है।